जी 4 मिनट की कैंडल है, ये जैसे बनेगी मार्केट एक तरफा मुंह देगा, ऊपर की तरफ देगा तो 100 150 पॉइंट कैचअप होंगे, नीचे की तरफ देगा तो भी कैचअप होंगे। मैंने नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बनाई है क्योंकि 24,350 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो 3 बार या 4 बार नहीं टूटे, यहाँ से 3 और 4 बार कैचअप किया मैंने स्केल पे। देखता हूँ अगर वो निकलेगा तो भी 140 150 पॉइंट ऊपर की तरफ निकलेगा, 2,500 तक की मार्केट में मुंह देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। ये कैंडल इम्पोर्टेंट होने वाली है, और ये जो डोजी बना है वो क्या काम करेगा, छोटा सा डोजी है लेकिन काम नहीं करना चाहिए मेरे को तो ऐसा लगता है। मुंह नीचे की तरफ सेट होगा, मैं भी यही कह रहा हूँ क्योंकि रेजिडेंस है। क्या 70 80 पॉइंट कैचअप होने वाले हैं अपने, या अपना एसएल हिट होगा? चौबीस हजार 350 अपना एसएल रखा है मैंने, और 70 80 पॉइंट कैचअप होंगते हुए दिख रहे हैं, और होंगे नो डाउट, होंगे होंगे नो डाउट होंगे। अब एक कंफर्मेशन हो गया मार्केट की गिरावट का, अगर कोई भी अभी कैचअप करना चाहता है 70 80 पॉइंट स्केल्पिंग नीचे की तरफ पुट साइड, तो अपनी पोजीशन अभी भी टाइम है कर ले, मार्केट नीचे की तरफ मूव देगा। अब 10 बजने को आए, 2 मिनट की और कैंडल है, ये नेक्स्ट कैंडल डिफाइन कर देगी। अब 2 3 मैं तो रेजिडेंस रख लिया हूँ, ऐसा लीड हो जाएगा तो हो जाने दे दो। अपना ऐसा और ऐसा हिट हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, तो अच्छा खासा मुंह देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, लेकिन मैं अपन क्यों ओवर ट्रेडिंग करें, अपना ऐसा हिट करो करके शांति से बैठेंगे मार्केट में, लेकिन नीचे की तरफ मुंह आता तो 100 150 पॉइंट कैचअप होते हैं, लेकिन नहीं हुए, वो 7 8 पॉइंट 10 पॉइंट और है एसएल के पास में ही है। ऐसे हिट होने के कगार पे मेरा तो, उसके बाद में गिर जाए वो एक अलग बात है, स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है मार्केट में। क्या
कैसे हिट होगा मेरा, जस्ट पास में खड़ा है, अब यही मूव करेगा, या तो मैं तो अपनी पोजीशन तो कैसे निकालूंगा क्योंकि मैंने तो ऐसे हिट कर रहा है। देखते हैं पेशेंस रखते हैं, हिट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट नहीं मिलेगा, टारगेट मिल जाएगा तो भी अच्छी बात है, दिन का सुबह सुबह का ट्रेड लेके निकल लेंगे मार्केट से। मेरे तो एसएल के पास ही ट्रेड कर रहा है, 24,350 मेरा एसएल है इसके आसपास, देखते हैं देखिए क्या यही मूव करता रहेगा ये मार्केट। पैसेंस तो रखना पड़ेगा, कोई घबराहट नहीं है मेरे को, ऐसे लेट हो जाएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 50,000 से 70,000, 24,500 तक की तेजी देखोगे आप ऊपर की तरफ, अगर मेरा ऐसे लेट होगा ना तो ऊपर की तरफ मूव आएगा तो 100-150 पॉइंट 500 तक जाएगा मार्केट, नीचे की तरफ आएगा तो मेरा तो टारगेट है 70-80 पॉइंट का है, और उसके बाद में मार्केट का एनालाइज और देख लेंगे तो अपनी पोजीशन और ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस।